नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मास 24 न्यूज और मैं हूं राहुल शर्मा। दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2020 है और आज ही के दिन 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेलवे सुविधाओं को शुरू किया गया था। आज करीबन 167 साल हो चुका है और आज तक कभी भी ट्रेन सुविधाओं में कभी भी रुकावट नहीं आई, लेकिन आज कोरोना के चलते 40 दिन का ट्रेन पे ब्रेकडाउन लग गया है। तो आइए, क्या है ये मामला, हम आपको बताते हैं शुरुआत से। भारतीय रेलवे की 167 साल के इतिहास ने कई बड़ी घटनाओं का सामना किया है, लेकिन इससे पहले कभी ब्रेक नहीं लगा। भारत रेलवे की शुरुआत के बाद 2 विश्व युद्ध भी हुए, उस दौरान भी कभी ट्रेन रुकी नहीं, हमेशा चलती रही। उसके बाद देश का बंटवारा भी हुआ और फिर महामारी भी फैली, लेकिन ट्रेन के संचालन पर कभी भी ब्रेक नहीं लगा। यह पहली बार है जब यात्रा ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, जो करीबन 40 दिन का है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए राष्ट्रीय लॉकडाउन से पहले 22 मार्च से 3 मई तक यात्रियों द्वारा बुक कराए गए 94 लाख टिकट को रद्द कर दिया गया है। भारतीय रेलवे को राजस्व में 1490 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारतीय रेलवे ने कहा, लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि के दौरान यात्रा के लिए बुक कराए गए टिकटों के पूरे पैसे वापस किए जाएंगे। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई रेल सेवाओं के तहत पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो उस समय छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। इसमें करीब 400 लोगों ने सफर किया था। पहली रेल यात्रा की दूरी करीब 34 किलोमीटर की थी। भारत में रोजाना 20,000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन चलती है अभी के समय में। इसमें लंबी दूरी की 3500 से ज्यादा ट्रेनें शामिल है। भारतीय रेलवे का नेटवर्क एशिया का दूसरा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसमें रोज करीब 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, ये अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल का जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।